आज मैं आपको तारों के जो नाम है और गज फेरना, ये दो मैं आज आपको बताऊंगा। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि गज फेरना बहुत ही आवश्यक है। आधा काम अगर आपने गज फेरना आ गया आपको, तो आधा वायलिन आ गया। तो सबसे पहले मैं वायलिन पे आपको मैंने बताया था, ये देखिए ये ई है, सबसे पहला नंबर तार जो है वो ई है। नंबर टू तार बोलेंगे इसको ए, नंबर थ्री तार बोलेंगे डी, नंबर फोर्थ स्ट्रिंग्स का नाम देंगे जी। अब ये इस तरह मिलाने, हमारे जो भारतीय संगीत पद्धति है उसमें हम किस तरह मिलाते हैं, उसमें कई सिस्टम्स हैं। जैसे मैं पहले सिस्टम में मिलाता हूँ मा सा पा सा, मा सा पा सा, और दूसरा सिस्टम रहता है पा सा पा सा, तीसरा सिस्टम रहता है पा सा पा रे, मा सा पा रे। ये इतने सिस्टम्स रहते हैं, बहुत हैं, बहुत हो गए हैं। लेकिन दक्षिण भारत में एक ही सिस्टम ज्यादातर चलाते हैं, सापा सापा। तो मैंने जो सीखा हुआ अपने गुरुजी से मासा पासा, तो मैं आज उसी में आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। ये तारों के जब नाम हो याद हो गए, और मैंने आपको कल ट्यूनिंग भी बता दिया था उतार के, फिर से सुनिए। ये तार सप्तक का सा है और ये मध्य सप्तक का सा है। नीचे जो माँ मिला है वो खरज का है, मंद सप्तक में, और पा जो है वो मध्य सप्तक में। पिछले भाग में बताया था कि गज को कैसे पकड़ना। सबसे पहले आप नंबर वन टू थ्री, थ्री पर गज को रखेंगे। देखिए गज को मैंने कैसे रखा, देख सकते हैं आप, साउंड भी आ रही होगी। तो अब इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की बातें क्या है, वो बहुत ध्यान रखना आपको। देखिए सबसे पहले अपन तीसरे नंबर तार पर गज को फेरेंगे, तीसरे नंबर तार से शुरू करेंगे। अब इसमें ध्यान रखने की बात, पैरेलल ऑफ द ब्रिज रहना है, पैरेलल किसके, ब्रिज के। और नंबर दो, ये जो आपका फिंगर बोर्ड है इसके ऐसे जैसे आप बजाएंगे तो ऐसे चली जाएगी गज आपकी, देखिए ऐसे है ना, ऐसे नहीं गज को जाने देना, गज को ऐसे रखना, ये बिल्कुल गज ऐसे रहेगी। ये जो आपका कंधा है ये वो ऐसे नहीं उठा होगा, इसको नीचे रखेंगे, जिससे कि आपके वजन या ताकत किस पे नहीं पड़ेगी, कंधे पे नहीं पड़ेगी, और आप घंटों बैठ सकते हैं। अगर आप ऐसे बैठेंगे तो आप आधे घंटे या 15 मिनट में आपके हाथ भर जाएंगे, तो ऐसे रखना। ये देखिए कैसे बैठा हूं, सिस्टम ये। अब देखिए मैं गज कैसे चलाता हूँ, मेरी साउंड सुनिए वॉल्यूम की कैसे आ रही है। इसमें अगर मैंने बेटा, अगर इसको देखिए, अगर मैंने थोड़ा सा प्रेस ज्यादा कर दिया तो ये ऐसी आवाज निकलेगी, ये गलत है। आपको बहुत बैलेंसिंग करना है। मैंने कहा ना कि आधा वायलिन आप सीख जाएंगे जब ये गज आप चलाने लग जाएंगे। देखिए कैसे गज चल रही है, तो इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करना है और अच्छे ढंग से करना है, मन से करना है, ध्यान देते हुए करना है। जो चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। ये देखिए ऐसे, अच्छा ये आप ऊपर जा रहे हैं और इधर नंबर जब दो पे और आएंगे तो इसको वापस उसी तरह आएंगे जैसे गए थे। तो आप इसको नाम भी दे सकते हैं, ये वन, ये वन हो गया। लेकिन ऐसे नहीं करिए, ऐसे वन टू वन ये नहीं करना, आपको बिल्कुल आखिरी तक जाना है, शुरुआत से आखिरी तक। ये देखिए अब टू, जैसे मैं कोई गाना जब सिखाता हूं तो कैसे जितनी देर सांप रुकते सांस ले सकते हैं, वही आप इसमें लंबी सांस इसमें लेना है। तो एक बार मैं फिर बोल बजाता हूं और आप सुनिए ध्यान से। देखिए ये दो हो गया, अब हम चेंज करेंगे, नंबर दो तार स्ट्रिंग को छेड़ेंगे। देखिए ये पा में मिला हुआ मेरा स्ट्रिंग, नंबर वन वन चेंज कर दिया, आप नंबर फोर पे आ जाइए, ये आपकी एक एक्सरसाइज हो गई। कैसे बेटा, देखिए पहले फोर लेते हैं, तो वन
बन जा रही है, शाबाश। फिर वापस आएंगे तो टू हो गई। अब चेंज करेंगे वन, तीसरे नंबर तार वन टू, नंबर दो तार टू, नंबर वन तार टू, ये मैंने आज आपको सिखाया। इसकी विस्तृत जानकारी अगले भाग में दूंगा। नमस्कार।